16 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने मोबाइल ऐप के जरिए जगंबाड़ी मठ में ग्रंथों का शुभारंभ किया। जिसके बाद पीएम चंदौली पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फुट ऊंची मूर्ति का लोकार्पण किया। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने महाकालेश्वर ट्रेन, जो कि वाराणसी से धार्मिक यात्राओं पर जाने वाली ट्रेन है, को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंदौली जिले से हरी झंडी दिखाकर वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना किया। आपको बता दें कि इस महाकालेश्वर ट्रेन की खास बात यह है कि जहां एक ओर इसमें धार्मिक संगीत का आनंद मिलेगा, वहीं दूसरी ओर इसमें धार्मिक विचारधाराएं भी संरक्षित की गई हैं। आपको बता दें कि 20 तारीख से इस ट्रेन को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, लेकिन फिलहाल यह ट्रेन अपनी पहली यात्रा पर निकल चुकी है। वहीं रेलवे अधिकारी से बातचीत के दरमियान यह पता चला कि इस ट्रेन को चलाने का मुख्य उद्देश्य धार्मिक विचारधारा रखने वाले लोगों को इस ट्रेन में सफर कराकर धार्मिक स्थानों तक पहुंचाया जाना है। आपको बता दें कि इससे धार्मिक स्थानों पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सौगात अपने संसदीय क्षेत्र के श्रद्धालुओं को दी है, लेकिन इस ट्रेन के संचालन से इसका विरोध भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1200 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण किए, तो वहीं दूसरी तरफ रेल मजदूर यूनियन ने निजीकरण व निगमीकरण के विरोध में उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री एम राघवैया तथा यूआरएमयू के महामंत्री बीसी शर्मा के आह्वान पर कॉरपोरेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस के संचालन के विरुद्ध पुरजोर प्रदर्शन किया और मैं विंध्यवासिनी यादव, शाखा मंत्री, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन वाराणसी। किस लिए विरोध कर रहे हैं, क्या मांग? आज हम लोग जो रेल में प्रस्तावित कई ट्रेनें हैं जो प्राइवेट हाथों में जा रही हैं, उसी क्रम में आज वाराणसी से एक निजी ट्रेन जो IRCTC के द्वारा चलाई जा रही है, जो प्राइवेट ट्रेन है, जैसा कि हम लोग देखे हैं, महाकाल एक्सप्रेस, जिसका हम सभी यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम ये होगा कि हमारे जो रेल कर्मचारी हैं, जो कड़ी मेहनत करके इस भारतीय रेल को आज यहाँ तक लेकर आए हैं, सैकड़ों वर्षों से हमारे कर्मचारी जो है कड़ी मेहनत करके इसको यहाँ तक लाए हैं, और आज जब हमारी भारतीय रेल इस ऊंचाई पर खड़ी है, यहाँ पर पहुँचने के बाद कुछ चुनिंदा ट्रेनों को पूंजीपतियों के हाथ निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में रेल कर्मचारियों के ऊपर संकट उत्पन्न होने की पूरी संभावना है। ये काशी महाकाल एक्सप्रेस है जो 3 ज्योतिर्लिंगों को यात्रियों को ले जाएगी, काशी विश्वनाथ से ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगी। इस प्रकार से उनके आध्यात्मिक और धार्मिक लक्ष्यों की पूर्ति करेगी। यह ट्रेन हफ्ते में 3 दिन यहाँ से काशी से चलेगी, एक दिन वाया इलाहाबाद होकर, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज होकर, और 2 दिन सुल्तानपुर और लखनऊ होकर जाएगी, और यह बनारस से इंदौर तक की यात्रा को 19 घंटे में पूरा करेगी। किस तरह बात की जाए टूरिज्म के दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण ट्रेन है? देखिए, हमारे बहुत सारे श्रद्धालु जो यात्रीगण हैं हमारे, वो आर्थिक कारणों से और आध्यात्मिक कारणों से ट्रैवल करते हैं, तो ये आध्यात्मिक कारणों से ट्रैवल करने वाले यात्रियों के लिए एक विशेष सुविधा है जो काशी से उनको दी गई है, और ये उनको 3 स्थानों की पहचान कराएगी, और इसके अतिरिक्त इसके और अन्य पैकेज के तहत ये यहाँ के हिंदुओं के जितने अन्य पवित्र स्थल हैं वहाँ पर भी ले जाएंगे। झंडी किसने दिखाया? झंडी तो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज दिखाई गई है। इस गाड़ी की वाणिज्यिक सर्विस 20 तारीख से शुरू होगी।
संजय त्रिपाठी, मंडल रेल प्रबंधक, लखनऊ। इसके संचालन पर नाराजगी जताई। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट।